बार उनसे भी बात कर लेते हैं। सतीश पूनिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, कल प्रधानमंत्री सर आ गए, सर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी कल आए, अभी वहाँ कहेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि निराशा हाथ लगी राजस्थान की जनता को, एआरसीपी का बड़ा मुद्दा था और एआरसीपी के मुद्दे पर कोई घोषणा प्रधानमंत्री नहीं। आपका सवाल था कि प्रधानमंत्री जी के बारे में मुख्यमंत्री ने टिप्पणी करी कि वो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में उनसे संतुष्ट नजर नहीं आए। देश की आजादी के बाद सिंचाई की सुविधा की मांग राजस्थान का किसान करता रहा, पेयजल की मांग राजस्थान की आवाम करती रही। देश की राजनीति में प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता थी कि उन्होंने जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना लगाई और आज राजस्थान के 33 लाख घरों तक यदि कनेक्शन है तो वो उसी प्रतिबद्धता का परिणाम है। 55 सालों तक राज करने के बाद मैं पूछना चाह रहा हूं कि उनकी सरकार रही, वो कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अलावा इस किस्म की दूसरी परियोजना राजस्थान में लागू क्यों नहीं की? ये भी ऐतिहासिक तथ्य है कि ये भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी के कार्यकाल की योजना थी जिसमें 13 जिलों को 37,000 करोड़ की योजना से जोड़ा जाना था। अशोक गहलोत जी यदि ईमान होता तो इस पर सियासत नहीं करते, क्योंकि ये सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना और राजस्थान के पानी का भी पंजाब और हरियाणा से कांग्रेस की जब जब सरकारें रही, हमारे हिस्से के पानी के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी। देश में नदी जल के बंटवारे को लेकर कितने विवाद हैं सबको पता है, और इसलिए वाजपेयी जी के समय जो नदियों से नदी जोड़ने की जो योजना थी, उस योजना का मोदी सरकार में एक मॉडल है मध्य प्रदेश में केन बेतवा को जोड़ के। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली सिंचाई का और पेयजल का पानी मिले इसके लिए सरकारों को प्रयास करना है। जो मौजूदा योजना है वो केंद्र के मापदंडों के अनुरूप नहीं थी, खाली सियासी काम उन्होंने किया। यदि ऐसा होता तो शुरुआती सरकार के शुरुआती दिनों में इसको इनिशिएट करते बजाय सियासत के, तो उन्होंने इसको केवल राजनीतिक मुद्दा बना के जिंदा रखा है ताकि केंद्र सरकार को आरोपित किया जा सके और उनके खुद के पाप ढके जा सके। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी इसको स्पष्ट कर चुके हैं कि वो कम कॉस्ट में, जिसमें 90% खर्चा केंद्र की सरकार वहन करेगी, नदियों से नदियों के जोड़ने के उस प्रोजेक्ट को राजस्थान की सरकार दोबारा से उसकी डीपीआर बना के पेश करे और वो तुरंत इसको मंजूर करेंगे, क्योंकि मकसद है कि राजस्थान के किसानों को, पूर्वी राजस्थान के लोगों को वहां पेयजल और सिंचाई का पानी मिले। कल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो उसी संदर्भ में कहा है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, भारत की सरकार पूर्वी राजस्थान को जो नदियां हैं उनको जोड़ के उनके जरिए और राजस्थान के लोगों को सहूलियत देने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरे प्रदेशों से, खासतौर पर क्योंकि मध्य प्रदेश से भी इसका ताल्लुक है, इसलिए कल उल्लेख किया था कि इसका मसौदा तैयार हो गया, प्रस्ताव तैयार हो गया और दोनों ही सरकारों को इसके बारे में फैसला लेना है, समझौता करना है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बाद में अब ये दिशा खुल गई, स्पष्ट भी हो गई। थोड़ा सब्र मुख्यमंत्री जी को जरूर रखना पड़ेगा और ईमानदारी से प्रयास करने पड़ेंगे बजाय किसी सियासी बयानबाजी के। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है निश्चित रूप से उस पर अमल करेंगे, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? नेता प्रतिपक्ष को लेकर अटकाई लग रही है सर, कौन होगा नेता प्रतिपक्ष और कब तक ये आगे की प्रक्रिया आपकी हो जाएगी, बजट सत्र में हो जाएगी या आगे लेकर जाएगी? देखिए, क्योंकि कल ही सारी घटनाएं हुई हैं, राज्यपाल के रूप में माननीय गुलाब चंद कटारिया जी की नियुक्ति से राजस्थान का कार्यकर्ता, राजस्थान के राजनीतिक लोग, राजस्थान की जनता को प्रसन्नता हुई है कि उन जैसे वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति को ये मान सम्मान मिला है। ये सबका मान सम्मान है, उनका स्थान कौन लेगा, क्योंकि कल घटना हुई है और ये पार्टी के आलाकमान के संज्ञान में है। मुझे लगता है कि योग्य समय पर सही निर्णय पार्टी करेगी, पर अभी
कुछ चीजें काल्पनिक भी है और भविष्य के गर्भ में है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सत्र के दौरान भी क्या उपनेता को ये चार्ज दिया? देखिए, स्वाभाविक व्यवस्था है, क्योंकि जब इस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था होती है तो ये सोच के ही होती है। अब सदन में अनुभवी और जो पार्लियामेंटेरियन के तौर पर जिनकी परफॉर्मेंस है तो अभी है, तो हम सब लोग मिलके उस पर सदन में काम करेंगे। राजेंद्र जी के अनुभव का उस नाते, उपनेता के नाते जब मनोनयन हुआ था तो यही सोच के हुआ था। आपके नाम पे चर्चा चल रही है सर, नहीं मेरे नाम की चर्चा, मेरा फैसला मैं नहीं करता ना, पार्टी करती है। तो जो मैंने कहा कि जो पार्टी का संसदीय दल, पार्टी का आलाकमान जो निर्णय करेगा उसको सब स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। आप पार्टी की जिम्मेदारी निभाना चाहेंगे या सदन में नेता प्रतिपक्ष? मैंने कहा ना कि मुझे जो पार्टी जो भूमिका देगी, दरी बिछाने की, नारे लगाने की, माइक लगाने की, किसी भूमिका के लिए भी तैयार हूँ। कल जब प्रधानमंत्री जी की सभा थी, चुनावी सभा थी एक तरह से कहा जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार अगर राजस्थान में होती विकास 5 गुना होता, और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि अब आने वाले चुनावों में बीजेपी को वोट दे, क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा, क्योंकि वो बीजेपी की जनसभा थी।